हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हैं इस कुर्ते को आज हम आपको बना के दिखाने वाले हैं, तो चैनल पे बने रहें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पे अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे पास ये फैब्रिक है और जैसे कि आपने फ़ोटो देखा उस हिसाब से हम बनाने वाले हैं। ये हमारे पास लेस है, तो ये सारा मिक्स करके हम प्लेन कपड़ा हमने लिया था तो उसी को हमने डिज़ाइन किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमने गला पहले पेस्टिंग कर रखा है तो इसको हमने ऐसे फोल्ड कर लेना है। इसको हम अंदर फोल्ड करेंगे क्योंकि जो हमारी लेस है वो चौड़ी है। अब हम इसको इतना चौड़ा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी लेस पूरी पेस्टिंग पे रहे, ताकि हमारे गले की फिनिशिंग अच्छी से सेट होके आए, क्योंकि अगर हम खाली कपड़े पे लेस लगाएंगे तो अच्छे से बैठेगा नहीं। ये हमारा गले पीछे का गला है, तो पीछे के गले को हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे एक पैर के मार्जिन से। और जब भी आप गला फोल्ड करते हैं तो आप कोशिश करें इक्वल सिलाई लगाएं और इक्वल मार्जिन लें। उससे क्या होगा कि आप जब फिनिश करेंगे तो आपकी फिनिशिंग में एक अलग सा ही निखार सा आएगा। इस तरीके से हमने मोड़ लिया है और इसके मार्जिन को छाट लिया है इस तरीके से। उसके बाद हम इसको गले को पलट देंगे, तो आप देखते रहें कैसे स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और भी लोगों को मौका मिले सीखने का कैसे डिज़ाइन की गई है इस वाले पीस में। आप देखते रहें पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो इस तरीके से हमने पीछे का गला पलट लेना है इस तरीके से एक पैर के मार्जिन से। इसमें डोरी भी देनी है, तो डोरी हम बाद में लगाएंगे, अभी फ़िलहाल हम जो है गला पलट ले रहे हैं। इस तरीके से हमने एक पैर के मार्जिन से गला पलट लिया है और उसके बाद हमने पेस्टिंग पे लब की सिलाई लगा दी है जो कि अंदर सेट जाएगी। इससे क्या होगा कि हमारे गले की थिकनेस थोड़ी सी अच्छे से सेट होके आएगी और फिनिशिंग और नीट एंड क्लीन आएगी। तो इस तरीके से आपने पलट लेना है इस तरीके से, ये आप देखें। उसके बाद हमें जो है फ्रंट वाला पल्ला पलटना है गले को, तो इस तरीके से हमने गले को जो है इसमें नीचे रखा है और मेन को ऊपर रखा है क्योंकि गला फलक रहा था काफ़ी, तो इसको हमने चटका लगा दिया है। चटका लगा के हम इसको प्रेस से ऐसे तोड़ लिया है और अब हम इसको एक सिलाई लगा के कच्चा कर देंगे। बाद में हम ये सिलाई खोल भी सकते हैं अगर ज़्यादा चौड़ी होगी तो। इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेना है इस तरीके से। इसी के ऊपर हमारी, ये हमारा अंदर साइड बेसिकली है, बट हम सीधी तरफ जो है इसी के ऊपर लेस लगा लेंगे, तो उससे क्या होगा कि लेस हमारी अच्छे से सेट होके आएगी क्योंकि चौड़ी लेस है, हैवी लेस है। अगर हम डायरेक्ट लेस लगाते तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। उसके बाद हमने बाजू लिए, बाजू को हमने पहले नॉर्मली नखूनी मोड़ लिए इस तरीके से क्योंकि बाजू बेल शेप देने वाले हैं। बाजू पर भी हम लेस देंगे, तो इसको हम पहले नॉर्मली फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारी दूसरी बाजू है, दूसरी बाजू को भी हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो बनवानी है तो प्लीज़ आप टॉपिक का नाम और साइज सेंड कर दीजिएगा, मैं जल्द ही वीडियो अपडेट कर दूँगा। इस तरीके से हमने सिलाई लगा के क्रॉस चेक करना है, दोनों इसके बाद हमें अब लेस का काम चालू करना है। तो इस तरीके से हमने लेस चेक कर लिए और कट लगा लिया है दोनों बाजू में ताकि आधी आधी आ जाए। उसके बाद हमने नीचे मोती लेस जो पर्ल्स हैं, पर्ल्स लटकते हुए लगाने हैं, तो पहले मैं ऐसे पर्ल्स लटकते हुए लगा ले रहा हूँ इस तरीके से। इस तरीके से हमें लटकता हुआ लगा लेना है इस तरीके से। एक बाजू में हमने लगा लिया है, इसी तरीके से हम दूसरी बाजू में सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारी दूसरी बाजू पे पर्ल्स लगे जा रहे हैं। ये हमारे दूसरे बाजू पे लग गए हैं। अब हम ये चौड़ी वाली लेस लगाएंगे। तो गैस, जब आप ये चौड़ी लेस लगाएंगे तो थोड़ा सा आप हल्के हाथों से लगाएं, आप फिनिशिंग का पूरा ध्यान रखें, जल्दबाजी में जो है आप फिनिशिंग ख़राब ना करें। मैंने काफ़ी टाइम लिया था बनाने में, वो है कि मैंने एडिटिंग में काफ़ी जल्दी कर दिया है, बट हमारा बनने में इसमें काफ़ी टाइम लगा था। तो दोस्तों, हमने काफ़ी मेहनत की इस वीडियो में, तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करें, किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नया चैनल सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं ताकि हम और वीडियो अच्छे अच्छे आपके लिए अपडेट करते रहें। इस तरीके से हमने सिलाई लगा लेनी है और इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू भी बना लेनी है। तो दोस्तों, हमारी ये बाजू बन चुकी है, अब हम गले पर आ चुके हैं। गला हम बनाते हैं, तो गले पर हमने ये लेस लेनी है जिसकी हमने डायरेक्शन देख लेनी है, हमारी डायरेक्शन किधर जा रही है उस हिसाब से हमने लेस लेना है। अब गले को हमें मोड़ना है लेस को, तो हम इस तरीके से रखेंगे और इसमें थोड़ी थोड़ी दूर पे एक एक सूत की डॉट डालेंगे।
ज़्यादा चौड़ी डालेंगे तो हमारे लेस में चोंच निकल आएगी, तो इसलिए हमने ज़्यादा डालेंगे, मतलब एक ना डाल के 3-4 डॉट डालेंगे, लेकिन पतली पतली डालेंगे एक तरफ से, और दूसरी तरफ आधी लेस तक हम मिला देंगे ताकि हमारी लेस की फिनिशिंग अच्छी आए। इस तरीके से हमने लगाना है। और दोस्तों, अगर आपको चौड़ी लेस का गला बनाना सीखना है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जो कि सिर्फ चौड़ी लेस से मैं गले का डिज़ाइन करूँगा और लेस को कैसे मोड़ते हैं वो मैं आपको तरीका बताऊँगा। तो फ़िलहाल हमें इस तरीके से डॉट डाल लेनी है, और डॉट डाल के हमें गले के अकॉर्डिंग गले लेस को सेट कर लेना है। तो ये देखिए, हमने एक साइड के लेस सेट कर ली है, और इसी तरीके से हम दूसरी साइड के लेस सेट करेंगे। तो इस तरीके से हमने दूसरी साइड भी लेस लगा लेनी है। अब उस लेस में हम ऐसे ही सेम टू सेम प्लेट डालेंगे ताकि हमारी शेप बिल्कुल इक्वल है दोनों लेसेस में। हम दोनों लेसेस को क्रॉस चेक करते हुए चल रहे हैं साथ ही साथ, ताकि हमारी दोनों लेसेस का बिल्कुल शेप इक्वल आए, क्योंकि अगर आप एक में कम डालेंगे एक में ज़्यादा डालेंगे तो भी शेप इक्वल नहीं आएगी। और अगर एक आप 1-1 इंच की दूरी पर डालेंगे प्लेट और एक में 1.5-2 इंच की दूरी पर डालेंगे प्लेट तो भी आपके लेस का शेप बिगड़ जाएगा। तो इसलिए आपने जो भी प्लेट डालनी है बिल्कुल इक्वल नाप के डालनी है। उसके बाद आपने एक साइड का ये सेट करना है, सेट करके दोनों लेसेस आपस में मैच करनी है और सेंटर की सिलाई लगा लेनी है फिर। तो इस तरीके से हमने सेंटर की सिलाई लगा लेनी है, ये हमारा गले का शेप तैयार हो जाएगा। इस तरीके से हमने सिलाई लगा लेनी है, और जो भी इसका फैब्रिक है, इसको जो भी लेस का मार्जिन है, इसे काट के निकाल देना है एक पैर के मार्जिन से। और इस तरीके से हमें सेट करके देखना है वापस, देन हम फाइनल कर देंगे फिर। ये हमने जो भी फैब्रिक था एक्स्ट्रा हमने काट के निकाल दिया है। इस लेस को हम ऐसे पैच करेंगे, तो पहले हम अच्छे से सेट कर लेंगे, जहाँ पे भी सेट हो रही होगी वहीं से हम सेट करके स्टिच करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने एक तरफ से सिलना स्टार्ट कर दिया है। बाहर साइड हम लेस देंगे, तो लेस हम कैसे लगाएंगे आप देखते रहें, और उसके नीचे भी हम लेस देंगे तो कैसे लगाएंगे आप देखते रहें। चैनल को आराम से आप देखें, ज़्यादा स्किप ना करें वीडियो को, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है कई चीज़ें आप मिस कर जाएं, तो इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें और बिना स्किप करें वीडियो को देखें। अब ये हमारा एक सिलाई लग चुकी है, अब दूसरी सिलाई लगाएंगे। तो दूसरी सिलाई में साथ ही साथ जो है पल्स वाली जो लेस है वो चौड़ी वाली लेस के नीचे हम दबाते हुए जा रहे हैं और हल्की सी दिखाते हुए जा रहे हैं, ताकि हमारे गले की जो लेस है, लेस हमारी चौड़ी दिखती रहे। इस तरीके से ये हमारे जितने भी पर्ल्स हैं ये नीचे लटकते हुए आएंगे, तो फॉल काफ़ी अच्छी आएगी। तो इस तरीके से हमें लगाना है। आप देख सकते हैं चौड़ी लेस के नीचे हम पल्स वाली लेस दबाते हुए जा रहे हैं, और गले की फिनिशिंग में और अच्छी लुक आ गई है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जो मैंने डिज़ाइन करके दिखाया ये भी पसंद आई। ये हमारा फाइनल गला है। गले के नीचे एक बार हम और लेस लगाएंगे, क्योंकि हमें थोड़ा पाकिस्तानी लुक देना था, तो इसलिए हमने जो है उसी कॉन्सेप्ट पे बनाया। तो हम एक बार थोड़ी दूरी छोड़ के हम एक बार और लेस फिर से लगा लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने गले की चौड़ाई इक्वल रखी है, जो भी हमारा लेस का गैप है उसको हमने इक्वल मेंटेन करके इस तरीके से दूसरी लेस भी लगा ली है। आप अगर बिगनर्स हैं तो आप पहले निशान लगा लें, आप डायरेक्ट सिलाई ना लगाएं, क्योंकि मैंने जैसे डायरेक्ट लगाया, तो आप डायरेक्ट लगाएंगे तो सिलाई टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। और अगर आपने एक बार में सिलाई नहीं सही लगाई, दूसरी बारी में आपकी सिलाई ख़राब हो सकती है, पीस में दाग आ सकता है, तो इसलिए आप एक बार में ही सिलाई लगाएं निशान लगा के। तो आप देख सकते हैं हमारा गला बन के तैयार हो गया है। आई होप आपको ये गला पसंद आया होगा। उसके बाद हमने ये लॉक कर लिया है, उसके बाद हम गला क्रॉस चेक करेंगे, आर्मोल क्रॉस चेक करेंगे, देन हम बाकी का पीस प्रोसेस करेंगे। ये देखिए, हमने अब कंधे जोड़ने स्टार्ट कर दिए हैं, तो इस तरीके से हम कंधा जोड़ लेंगे, बाकी का अब हम फाइनल करेंगे पीस। जो भी हमारी डिज़ाइनिंग होनी थी, डिज़ाइनिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो हमने नॉर्मली एक बार ये कंधे पे सिलाई लगाई है इस तरीके से, उसके बाद हम दूसरी सिलाई लगा के कंधे को ब्लॉक कर देंगे। तो इस तरीके से अब हम ये फाइनल सिलाई लगा रहे कंधे की। तो हमने देखिए लोट पोट कर दिया, इससे जो है हमारा मार्जिन अंडरग्राउंड हो जाएगा इस तरीके से, और बाद में हम ओवरलॉक कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं हमने कंधी सिल के क्रॉस चेक कर लिया है, अब हम फिटिंग की सिलाई लगा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। ये लूज़ फिट है, तो इसमें हमने निशान
लगाया है, बट बिना निशान के भी हम सिलाई लगा ले रहे हैं। बट आप अगर आप सिलते हैं तो आप जो है निशान उठा के सेम टू सेम निशान पे ही सिलाई चलाएं, नहीं तो आपकी सिलाई टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। स्पेशली अगर आप बिगनर्स हैं तो आप हर चीज़ बिल्कुल रूल रेगुलेशन से ही करें। हम लोगों को एक्सपीरियंस हो जाता है तो इसलिए हम लोग अंदाजे से सिलाई लगा लेते हैं जो कि एक्यूरेट आती है। उसके बाद हमने जो है ये बाजू की भी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी इस तरीके से, जो भी आपकी मोहरी का साइज़ है, जैसे भी आप मोहरी रखते हैं, बेल रखते हैं, नॉर्मल रखते हैं, उस हिसाब से आपको बाजू सिल लेना है इस तरीके से। तो आप ये देखें हमने बाजू सिल ली है और अब उसी हिसाब से हम दूसरी बाजू को भी सिल लेंगे। ये आप देखें तो हमारा आप देख सकते हैं काफ़ी इजी तरीके से पूरा पीस बनके लगभग तैयार हो चुका है। अब हमें बाजू चढ़ानी है तो बाजू को हम आर्मोल में चेक करके जिस साइड की भी बाजू है उस साइड में हम बाजू को पहले चढ़ाएंगे एक बाजू को, फिर हम दूसरी बाजू को चढ़ाएंगे। और जब भी आप बाजू चढ़ाते हैं तो बाजू को आप नीचे रखें, बॉडी को ऊपर रखें, और जो बाजू का जो साइड की सिलाई है वो बॉडी से एक पैर आगे रखें, और कंधी और बाजू का जो सेंटर है बिल्कुल एक्यूरेट मैच होना चाहिए। उससे आपके पीस की फिटिंग काफ़ी अच्छी आएगी और प्रेस वगैरह करने में भी काफ़ी अच्छी नीट एंड क्लीन आएगी। जब भी आप बाजू चढ़ाते हैं तो बॉडी को खींच के ज़रूर रखें, आपके शोल्डर्स की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, कंधे नहीं गिरेंगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जब भी आप आर्मोल कट करते हैं तो बाजू से आप आधा इंच बॉडी का आर्मोल छोटा कटिंग करें ताकि आप जो है बॉडी खींच कर चढ़ा सकें। इस तरीके से हमने इक्वल सिलाई लगा के बाजू चढ़ा लेनी है। इस तरीके से एक सिलाई लगाने के बाद दूसरी सिलाई आप खींच के लगा सकते हैं ताकि अगर पहनने पे सिलाई खींचती है तो टूटे ना। और जो भी आपकी टेढ़ी मेढ़ी सिलाई है उसको आप उस दूसरी सिलाई में आप कवरअप कर सकें, क्योंकि आप बिगनर्स हैं तो बिगनर्स में ये चीज़ें हो सकती हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगा लेना है, हमारी बाजू चढ़ गई है। इसी तरीके से हम दूसरी बाजू चढ़ा लेंगे। अब हम आ चुके हैं नीचे नीचे मोहरे पे। तो नीचे जो घेर है, घेर को हम नॉर्मली एक बार पहले कच्चा कर ले रहे हैं क्योंकि ओरेप घेरा है, एक बार में फिनिशिंग में भी उतनी अच्छी ना आए तो इसलिए हमने दो बार में फोल्ड किया है। तो हम पहले एक बार फोल्ड कर ले रहे हैं, उसके बाद हम दोबारा फाइनल फोल्ड कर लेंगे। तो हमने एक सिलाई लगा ली, अब हम दूसरी सिलाई लगा रहे हैं। तो इस तरीके से हम दूसरी सिलाई लगा लेंगे इजी तरीके से और हमारा फाइनल पीस तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने बहुत इजी तरीके से सारा स्टेप बाय स्टेप काम किया है, और आई होप आपको ये सब चीज़ें पसंद आई होंगी। और उसके बाद हमने बनानी थी लटकन, तो ये हमने लटकन जो बची हुई लेस थी और जो मोती लेस थी पर्ल्स वाली, उसकी मदद से हमने ये लेस जो है लटकन बना ली है, क्योंकि हमारे गले के अकॉर्डिंग लटकन मैच करनी चाहिए। तो लटकन बना के हम वो डोरी में अटैच करके आपको दिखाते हैं। अभी हम डोरी में बैक गले में हम अटैच कर रहे हैं। किस तरीके से हमने लटकन बनाई है आप उस पे जाके आप देख सकते हैं स्टोरी पे जाके। ये हमारा फाइनल पीस बनके तैयार हो चुका है, और जो हमारी लटकन से आप देख सकते हैं लटकन का जो स्टाइल है कैसा आया है। और ये हमारा फाइनल पीस था, ये हमारा नॉर्मली पीस था, और इससे पहले हमने आपको पहना के दिखाया है। ये हमारा गले का डिज़ाइन है। तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली लगी होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी कुछ सीखने को दे गई होगी। और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय भारत, खुदा हाफिज़।